अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहानाज फीस्ट। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है छाछ का खट्टा। ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, इवन बैचलर्स भी इसको मिनटों में बना सकते हैं। और जब कभी भी हम लेडीज़ को लेजीनेस फील होती है, इस तरीके के सिंपल और ईजी रेसिपीज बनाकर हम इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ मैंने लिया है जी 1 लीटर दही, इसका अब हम छाछ बना लेंगे। इस तरीके से अच्छे से दही को छाछ बना लें। इसमें अपने जायके के बराबर नमक डाल दें, मैंने 2 टीस्पून डाला है। और पानी भी ऐड कर लें। इसको ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा गाढ़ा ही रखें। ये देखिए इस तरीके से। अब एक वेजल ले लें, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल दें। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें बघार के लिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून माश की दाल और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दें। इसको हल्का सा फ्राई करें और फिर इसमें प्याज डाल दें। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके रख लिया था, आधा अभी डालूँगी और बाकी आधा बाद में। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई कर लें। अब इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल दें। करी पत्तों को डालने के बाद जो हमने प्याज बचा कर रखा था उसको डाल दें, और इसी के साथ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें। अब इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है हमें, प्याज को थोड़ा क्रंची ही रहने दें, तभी खाते वक्त अच्छा रहेगा। ये देखिए इतना काफ़ी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें छाछ को डाल दें और बस गैस को ऑफ कर दें। तो ये देखिए जी 5 मिनट के अंदर अंदर बनने वाला छाछ का खट्टा बनकर तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, देखने में ही कितना कलरफुल और मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। बस एक बात का ख्याल रखें कि दही हल्का सा खट्टा होना चाहिए इसके लिए, तभी इसका टेस्ट और भी दुगना होगा। आप इसके साथ कॉम्बिनेशन में नॉनवेज बना सकते हैं, चिकन करी, चिकन फ्राई, मटन करी या फ्राई, फिश फ्राई, ये सब एकदम ज़बरदस्त होते हैं इसके साथ। है ना बहुत ही सिंपल और ईजी सा रेसिपी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के बेल को ऑल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।